हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर से। आज आपको जो आपका अपना हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट का जो नेक्स्ट मेथड है, मेगोंग ब्रिज मेथड, उसके बारे में आप अपन देखेंगे। तो आज का अपना टॉपिक एक है मेगोंग ब्रिज, ठीक है। तो इस ब्रिज में क्या होता है कि अपन देखें कि अगर अपन एक केबल लें जिसका अपन को रेजिस्टेंस निकालना है, जिसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपन को निकालना है, तो उसको अपन एक तरह से तीन टर्मिनल मान सकते हैं, ठीक है। ए और बी के बीच तो अपन ने जो अपना मेन रेजिस्टेंस है वो मान लिया है, और गार्ड रेजिस्टेंस, जो गार्ड टर्मिनल है उसको अपन ने कैपिटल जी से यहाँ पर दिखाया है, जो कि आपका इंसुलेशन से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, ठीक है। तो गार्ड टर्मिनल क्या करता है या गार्ड वायर क्या काम करता है, ये अपन ने पिछले सेशन में जब अपन ने लॉस ऑफ चार्ज मेथड या डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड उसमें देखा था कि गार्ड टर्मिनल आपका क्या करता है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड में। तो गार्ड टर्मिनल क्या है आपका, जो लीकेज रेजिस्टेंस है उसके इफेक्ट को नलीफाई करता है आपके मेजरमेंट में, उस लीकेज रेजिस्टेंस के कारण कोई एरर नहीं आए उसको ये दूर करता है, ठीक है। तो अपन ने जैसे डायग्राम जो आपका चित्र ए दिख रहा है, इसमें अपन ने तीन टर्मिनल लिए हैं, जो ए और बी, और बी के बीच का आपका क्या है, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और जो आपका गार्ड टर्मिनल है वो आपका इंसुलेशन जो आपका उस केबल के ऊपर या जिस रजिस्टर के ऊपर जो इंसुलेशन है उसके वहाँ पर गार्ड टर्मिनल कनेक्ट है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, जो ऐसा कि आप चित्र बी में देख रहे हैं, इसको अपन एक थ्री रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल जंक्शन मान सकते हैं, या एक कॉम्बिनेशन मान सकते हैं कि जिसके अंदर तीन रेजिस्टेंस है। जैसे कि अगर अपन पॉइंट ए और जी की बात करें तो इसको अपन एक लीकेज रेजिस्टेंस आर ए जी से दिखाया है, इसी प्रकार पॉइंट बी और जी के बीच एक और अपन ने लीकेज रेजिस्टेंस दिखाया जो कि क्या है आर बी जी, और ए और बी के बीच अपन ने एक मेन रेजिस्टेंस दिखाया जो कि क्या है आपका कैपिटल आर, ठीक है। तो जो चित्र ए में है आपका ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो तो क्या है आपका कैपिटल आर है, टर्मिनल ए और जी के बीच एक लीकेज रेजिस्टेंस आर ए जी, तथा इसी प्रकार टर्मिनल बी तथा जी के बीच एक लीकेज रेजिस्टेंस आर बी जी कनेक्ट है। ये तीनों रेजिस्टेंस मिलकर थ्री टर्मिनल जंक्शन बनाते हैं, या सॉरी थ्री टर्मिनल रेजिस्टेंस बनाते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर अगर इसी जो आपका हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट का ये मेथड है, इसी को अगर अपन मॉडिफाइड वेट सिस्टम ब्रिज के थ्रू अगर अपन मेजर करें, तो अब इस रेजिमेंट के थ्रू अपन को क्या होगा, जो अपन को परसेंटेज एरर मिलेगा वो क्या मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। या अगर अपन मॉडिफाइड ब्रिज के थ्रू इस रेजिमेंट को यूज करके अपन क्या निकालें, अपना जो हाई रेजिस्टेंस निकालें, तो अपन एरर क्या हो जाती है, कुछ बहुत हद तक कम हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब अगर इसी हाई रेजिस्टेंस को मॉडिफाइड ब्रिज से मेजर किया जाए, तो उसमें गार्ड कनेक्शन को चित्र ए में दर्शाने अनुसार कनेक्ट किया हो, तो मेजरमेंट में एरर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब किस प्रकार से अपन को कनेक्शन करना है ये अपन देख लेते हैं, कि जैसा आपको यहाँ फर्स्ट चित्र ए में दिख रहा है कि अपन ने क्या किया है, जो अपना अननोन रेजिस्टेंस है उसको अपन ने थ्री टर्मिनल रेजिस्टेंस से दिखाया है, जिसके अंदर ए और बी के बीच आपका हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, ए और जी के बीच आपका लीकेज रेजिस्टेंस होगा वो, और बी और जी के बीच जो लीकेज रेजिस्टेंस होगा वो। अगर इस मेथड से अपन क्या करें, मेजर करें, तो अपना जो एरर आएगा वो बहुत कम आएगा, ठीक है। इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है, अपन ने एक और आपका जो कनेक्शन बी है, जो सॉरी डायग्राम बी है, उसमें दिखाया है कि अपन ने क्या किया, जो आपका रेजिस्टेंस बी जी था, या आपका जो गार्ड टर्मिनल वाला जो जंक्शन है, जो पॉइंट है, उसको अपन ने डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर दिया, आपके पॉइंट ब्रिज के पॉइंट बी से। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आर बी जी है, लीकेज रेजिस्टेंस आर बी जी, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पैरेलल किसके हो जाएगा, आपके गैल्वेनोमीटर के। अब गैल्वेनोमीटर के डायरेक्टली पैरेलल में, अब चूंकि अपन जानते हैं गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या होता है, जीरो। तो इसी कारण जो आपका आर बी जी रेजिस्टेंस है
उसके कारण आपका ब्रिज बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक किसके डायरेक्टली पैरेलल है आपके गैल्वेनोमीटर के, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता, कोई उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं आता, इसीलिए आपका जो रेजिस्टेंस आर बी जी है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसके ऊपर, आपके ब्रिज बैलेंस के ऊपर, ठीक है। तो चित्र बी में दिखाए गए अरेंजमेंट के लिए रेजिस्टेंस आर बी जी को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, इसलिए यह रेजिस्टेंस ब्रिज के बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, आपके ब्रिज के बैलेंस को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। अब यदि अपन रेजिस्टेंस आर ई जी की वैल्यू कितनी माने, 100 मेगा ओम माने, और इसको अब अपन जो अपने सेकंड अरेंजमेंट देखा था ये बी वाला, इसमें अपन आर बी जी तो क्या हो गया आपके पैरेलल में किसके हो गया, गैल्वेनोमीटर के। इसी प्रकार आर ए जी आपका किसके पैरेलल में हो जाएगा, वो आपके रेजिस्टेंस पी के पैरेलल में हो जाएगा। कैसे, कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ए और बी के बीच आपका क्या कनेक्टेड है, पी। और इसी प्रकार अगर अपन ए और जी जी जो जो आपके आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, बी से, तो दोनों पी और जो आपका आर ए जी है वो क्या उसमें हो गए, दोनों आपस में पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो अगर अपन रेजिस्टेंस पी की वैल्यू कितनी मानी, 100 किलो ओम के पैरेलल में कनेक्ट करके अगर अपन मेजरमेंट करें, तो जो अपना एरर मिलेगा वो 0.01% आएगा, जो कि इस तरह के मेजरमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि इस प्रकार मॉडिफाइड दृश्य अपन ने अपना जो एरर आया वो क्या हो गया, बहुत हद तक रिड्यूस हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो अब फाइनली अब अपन अब तक तो अपन ने देखा कि किस प्रकार अपन जो ब्रिज है उसको मॉडिफाई करते हुए अपन किस प्रकार एरर जो अपनी आ रही है उसको नलीफाई कर सकते हैं। अब अपन जो अपना फाइनल अरेंजमेंट है मेगा ओम के अरेंजमेंट के लिए, मेगा ओम के अरेंजमेंट के लिए वो इस प्रकार होगा कि जैसा कि आपको चित्र में डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या है, जो आपको पॉइंट ए और बी है उसके बीच अपन ने 100 किलो ओम या पी रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। इसी प्रकार बी और सी के बीच अपन ने क्यू रेजिस्टेंस किया कनेक्ट किया है, जिसके ऊपर आपके डायल सेटिंग होगी या डायल स्विच होगा, उस पर वो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हो, टैप कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। इसी प्रकार आपके जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है एस, उसके भी 5 वैल्यू होगी आपके पास, 10 किलो ओम, फिर 0.1, 1 मेगा ओम, 10 ओम, 100 मेगा ओम, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको 5 वैल्यू होगी। ये आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको अपन ने 3 रेजिस्टेंस टर्मिनल से दिखाया है, ठीक है। आपका जो गार्ड टर्मिनल है उसको अपन ने डायरेक्टली किसे कनेक्ट कर दिया, आपने बी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बी और डी के बीच अपन ने एक डिटेक्टर लगाया है, डिटेक्टर या नल कंडीशन आइडेंटिफायर, ठीक है। तो अगर अपन एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो एम्पलीफायर के ये साथ में अपन क्या यूज़ करेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर यूज़ करेंगे। बट अगर आप सीआरओ यूज़ करते हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर यूज़ करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। और ए और पॉइंट बी पॉइंट के बीच अपन ने एक वोल्टेज सोर्स सप्लाई किया है, जो कि आपका 500 वोल्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जैसे सप्लाई लगाएंगे, और जो आपके क्यू रेजिस्टेंस है और जो एस रेजिस्टेंस है, इनकी सेटिंग चेंज करके आप अपन क्या करेंगे, ब्रिज बैलेंस की स्थिति प्राप्त करेंगे। तो जिस जैसे ही आपका ब्रिज बैलेंस होगा, तो फिर अब अपन जो अपना व्हीटस्टोन ब्रिज में जो अपन फॉर्मूला लगाते थे अननोन रेजिस्टेंस के लिए, वो क्या था कि आर इज इक्वल टू पी इंटू एस डिवाइडेड बाय आपका रेजिस्टेंस क्यू, ठीक है। तो पी क्यू और एस की वैल्यू अपन को पता है, तो अपन अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में एक पावर सप्लाई ब्रिज मेंबर, जो कि आपकी ब्रिज आर्म्स हैं चारों, पी क्यू आर एस, वो एम्पलीफायर और एम्पलीफायर के साथ में इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर अपन सीआरओ यूज करते हैं, तब आपको फिर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्रिज की सेंसिटिविटी एडजस्टेबल हाई वोल्टेज से प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो जो आपका तो अपना जो ब्रिज की सेंसिटिविटी है वो आपके जो एडजस्टेबल हाई वोल्टेज होता है उससे अपन यहाँ पे ब्रिज की सेंसिटिविटी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो नल कंडीशन, और नल कंडीशन के लिए अपन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर के साथ एक एम्पलीफायर या सीआरओ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। या तो अपन सीआरओ यूज़ कर लें
या अपन एम्पलीफायर के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर यहाँ पर यूज़ कर लो, ठीक है। रेजिस्टेंस क्यू का जो डायल है वो आपका चार सेटिंग में होता है, ये तो 1 है, 1 ओमेगा ओम होगा, 10, 100 और 1000 मेगा ओम में कैलिब्रेट किया जाता है। अब जैसे अपन ब्रिज बैलेंस अपन ने प्राप्त कर लिया, तो उसके पश्चात अब अपन जो रेजिस्टेंस निकालेंगे, अननोन रेजिस्टेंस, वो किस प्रकार निकालेंगे कि आपका कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू एस डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आर आपका नॉन रेजिस्टेंस है, पी और क्यू और एस आपको क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है। तो तीनों की वैल्यू जैसे अपन ब्रिज में रख देंगे तो अपना जो नॉन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अपन क्या कर लेंगे, फाइंड आउट या निकाल सकते हैं, ठीक है। जो आपकी ब्रिज आर में एस है उस पर 5 मल्टीप्लायर होते हैं, 0.1, 1, 10, 100 और 1000, ठीक है। जो आपकी रेशियो आर पी और क्यू का जो जंक्शन है वो मेन टर्मिनल पर लाया जाता है, जिसको अपन गार्ड टर्मिनल के रूप में, जी के रूप में भी दिखाते हैं, ठीक है। तो जो आपका मेगा ओम ब्रिज है उसमें क्या करेंगे अपन, सीधा सा जो अपना अरेंजमेंट उसमें होगा, जो अपन अपना अननोन रेजिस्टेंस है उसको अपन ने 3 टर्मिनल रेजिस्टेंस से दिखाया है, उसमें आप उसका जो गार्ड टर्मिनल है उसको अपन डायरेक्टली बी पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्यू पर आपको 4 प्रकार के सेटिंग होती, डायल सेटिंग होगी, ठीक है। उसकी वैल्यू चेंज करके अपन क्या करेंगे, ब्रिज को बैलेंस करेंगे, ठीक है। जैसे अपन ने ब्रिज को बैलेंस किया, अपन जो नॉन रेजिस्टेंस वाला या जो आपका व्हीटस्टोन वाला जो फॉर्मूला है नॉन रेजिस्टेंस के लिए, उससे फिर अपन क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए जो थर्ड मेथड है, मेगा ओम ब्रिज मेथड, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।